हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब इन्वेस्ट फॉर एवर से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ शेयर से मिलवाने वाला हूँ जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है साठ रुपए से अगर मैं बात करूँ तो दो साल के अंदर अंदर विद इन दैट कोरोना पीरियड उसने आपको साठ से आज की डेट में वो चौदह प्लस के यहाँ पर ये शेयर चल रहा है और आप कह रहे कि पहले क्यों नहीं बताए स्टॉक्स तो पहले मुझे भी नहीं पता थी आज ही पता चली है तो आज मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और आज के वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आती है और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में से रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ क्या देखिए वो स्टॉक्स एक ऐसे सेक्टर का स्टॉक्स है ओके तो वो स्टॉक्स वहां पर मिलता हुआ नजर आता है जहां पर आप स्टडी करेंगे सबने सुना है राकेश जूनियर वाला सर का नाम राइट

ओके okay, सेंसेक्स की बातें करते हुए नजर आते हैं मतलब बीएससी की बातें करते हुए नजर आते हैं ये कभी भी एन और निफ्टी की बातें नहीं करते ओके क्यों क्योंकि जितने भी नाइनटीन नाइनटीज और नाइनटीन एटीज के बंदे हैं ओके वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स केवल बीएससी ही देखा है उन्होंने और बीएससी को ही बढ़ते देखा है कि डेढ़ सौ वाला बी एस सी साठ हजार हो गया एक सौ पचास हजार हो गया तो ऐसी बातें होती हुई नजर आती है तो याद रखिए बीएससी में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉक्स है ओके okay, और सारे के सारे आपको अगर आ, मल्टी बैगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको बी से ही मिलेंगे एन में इतने स्टॉक्स की क्वान्टिटी नहीं है इसलिए आपको आपकी नजर केवल कहाँ पर जाती है आपकी नजर केवल निफ्टी के स्टॉक्स पर जाती है निफ्टी स्टॉक्स पर जाती है आपकी नजर कभी भी कहाँ नहीं जाती आपकी नजर नहीं जाती सेंसेक्स सेंसेक्स uh, के स्टॉक्स पे कभी यहाँ पर सर्च करो सेंसेक्स के अगर हम बात करते हैं तो लगभग सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 7000 से 8000 स्टॉक्स आते हुए दिखाई देते हैं एक बार सर्च करना निकालना एक एक स्टॉक्स तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी तो बताने के पीछे का रीजन क्या है बताने का पीछे रीजन क्या है कि सिंपल आपको आप यहाँ पर सेंसेक्स में स्टॉक्स देखो आप केवल सॉरी केवल डेढ़ हजार या दो हजार स्टॉक्स में मत सीमित रहे आप और भी ज्यादा स्टॉक्स को देखेंगे तो आप ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे क्यों क्योंकि अब जो स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ वो स्टॉक्स यहाँ केवल बी पे ही लिस्ट है यहाँ पर देखेंगे तो बी पे ही एक पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर लिस्ट है और यहां पर देखेंगे जितने भी मोस्टली स्टॉक्स मैंने आपको बताया है वो मोस्टली यहाँ पर आपको बीएससी स्टॉक्स में ही लिस्टेड मिलते हैं क्योंकि अच्छे स्टॉक्स बीएससी में ही मिलते हैं और वो ही यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं यहाँ पर मैक्सिम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगी दो से लेके ओके यहाँ पर दो तक 2021 हजार इक्कीस तक इवन एक ही रेंज में यहाँ पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक्स और उसके बाद जब इसने भागना शुरू किया है तो वो ही साठ रुपए वाला स्टॉक्स जो 17 दिसंबर 2021 में बासठ रुपए पे चल रहा था ओके okay, तो यहाँ पर 2022 लगा लो तो 2022 आ, मतलब कितने मुश्किल से यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम हुआ है ओके okay, यहाँ पर छह महीने सात महीने लगा लो सात महीने में चौदह सौ रुपए पे स्टॉक चल रहा है तो चीजें समझने वाली होनी चाहिए अब बात करें यहाँ पर कंपनी करती क्या है ऐसा क्या है कि बासठ रुपए वाला स्टॉक चौदह सौ रुपए पे है और अभी भी अपर सर्किट है और शेयर लेने के पीछे भाग रहे और आपने अश्लील ग्रोवर इसका नाम सुना ही होगा ओके okay, यहाँ पर ये जो बंदा है फोन पे का को रह चुका है ओके okay, अभी इसे निकाला गया था और आपने इसे शार्क टैंक में भी देखा होगा एंड शार्क टैंक में भी ये किस तरीके से बातें करता था सो तो आपको पता ही है नो no डाउट तो इसने भी इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट किए तो हम अगर बात करें जेंसोल इंजीनियरिंग की तो ये कंपनी करती क्या है ये कंपनी सोलर कंसल्टिंग एंड ईपीएस में काम करती है तो यहाँ पर बात कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सोलर बनाती है उसमें इंजीनियरिंग भी करती है उसकी अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन भी करती है सारा ए टू जेड काम करके जेंट्स और इंजीनियरिंग देती हुई नजर आती है एज वेल एज इनके जो फ्यूचर के प्लान है वो बेहतरीन है फ्यूचर के प्लान अगर हम बात करें फ्यूचर की तो यहाँ पर आपने देखा था कि टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स भागा क्यों था टाटा मोटर्स ने यहाँ पर साठ रुपए से लेके यहाँ पर पा पांच साल की दिखाता हूं तो यह साठ रुपए से लेके पैंसठ रुपए से लेके जर्नी तय करी थी कितने की लगभग पांच सौ रुपए की जर्नी इसने तय करी थी तो वो जर्नी किस वजह से थी ये वजह थी केवल ईवी ओके ईवी की वजह से ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स था ओके ईवी शेयर तो ईवी की वजह से यहाँ पर क्या ये पर्टिकुलर शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा था तो सेम ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो पर्टिकुलर शेयर है ईवी के बिजनेस में आ रहा है ईवी के बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रहा है

मोस्टली uh, क्या होता है कि बड़े बड़े जो फॉरेनर uh, जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ओके okay, वो यहाँ पर uh, यहाँ पर भी तरीके तो की okay, इसकी वजह से और पॉजिटिव क्यों दिखाई देता है बिजनेस ऑफ ईवी लीजिंग एंड सोलर ईपीएस तो इंजीनियरिंग प्रोक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीएस का मतलब तो यहाँ पर हम बात करें ईवी के बिजनेस में हम ईवी ईवी के बिजनेस मतलब लीजिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है अभी दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें तो आपको पता चलेगी तो यहाँ पर देखिए शेयर किस तरीके से यहाँ पर साबित हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी लगभग एक करोड़ रुपए का अभी यहाँ पर क्या किया है बिजनेस क्या है वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो माइंड मत करिएगा अच्छी चीज अगर आपको देखनी है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो एक करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है दो अभी दो में इन्होंने दिखाया है Uh, की दो हजार एक सौ आठ करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो ये सीधे चार टाइम बर्स के लगभग छह पांच सौ छह सौ करोड़ होता हुआ दिखाई देगा विद इन टू ईयर्स तो यहाँ पर ये इसकी वजह से यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है और वो किसकी वजह से ईवी के ट्रिगर पॉइंट की वजह से और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि ईवी प्रोडक्ट्स ये कंपनी ला रही है और स्पेशली इन द नाइन बिलियन डॉलर हेचमार्क हैचबैक ईवी मार्केट में ये कंपनी उतरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर इनके व्हीकल से रिलेटेड काफी सारी सेगमेंट पर्सनल मोबिलिटी राइडिंग हेल कार्गो रिलेटेड यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि 2024 से 2025 के बीच में आ जाएंगे कंपनी लॉन्च और प्रीफिनशियल इशू ऑफ 13 लाख शेयर्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे और जिसमें बड़े बड़े जो अगर बात करें एक के भाव से लगभग एक करोड़ रुपए इन्होंने रेज करे हैं और यहाँ पर देखेंगे निकिल बोरा एक बड़े ग्रुप मतलब बड़ा बड़े लोग हैं इन्होंने यहाँ पर खरीदे हैं एज वेल well एज पाथिक गंदोधरा यहाँ पर पार्टनर विद ड्रोन कैपिटल यहाँ पर इन्होंने और अश्निर ग्रोवर का भी नाम इसमें शामिल है जिन्होंने चौदह हजार पांच सौ शेयर यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आए मतलब करोड़ों के यहाँ पर शेयर खरीदे हैं तो अगर हम बात करें इस कंपनी में ऐसा क्या है कि इस तरीके से बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जब ये रिजल्ट आते हैं ना बी में बी के रिजल्ट आते हैं जब हम देखते हैं रिजल्ट तो ये रिजल्ट देखना सीखोगे जब तक ये ये रिजल्ट देखना सीखोगे ना आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी सीखने को मिलेगी तो यहाँ पर लास्ट इतने सारे रिजल्ट आते हैं कि हम भी ध्यान नहीं दे पाते तो यहाँ पर अगर ये रिजल्ट मेरे आंखों के सामने यहाँ पर मार्च में आ जाता तो शायद मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड होता आज भी और उस टाइम ये इसका प्राइस कितना था उस टाइम इसका प्राइस केवल और केवल चार सौ रुपए के लगभग तीन सौ रुपए से भी नीचे था और ये आज की डेट में यहाँ पर मतलब ईयरली तो बेसिस, बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है रिजल्ट अभी जून क्वार्टर के आए नहीं है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी के मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस देखिए क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस वजह से यह शेयर यहां पर आसमान को छू रहा है बट याद रखिए केवल कमेंट्री की कमेंट्री दे दी किसी जेपी मॉर्गन ने कमेंट्री दे दी कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या हमें लेना है शेयर बिल्कुल भी नहीं तक रिसर् हो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं रिजर्व देखिए 36 करोड़ के रिजर्व है बोरेंग भी है मतलब यहां पर अच्छी खासी बोरिंग है कंपनी के पास प्रमोटर्स के पास सेवेंटी के शेयर है मतलब प्रमोटर्स यहाँ पर लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं पब्लिक के पास ट्वेंटी है प्रकाश एस जालान के पास सिक्स परसेंट के शेयर है ओके और कुछ लोगों के पास पहले शेयर हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर बेच दिया और उसी टाइम से यहाँ पर शेयर भागने शुरू हो गए तो इनके लिए बैड लक है तो इस चीज को समझिएगा कि अच्छी कंपनी में बने रहना होता है जब परफॉर्मेंस पता हो चले तब शेयर भागता है यहां पर देखिए पी काफी महंगा शेयर है याद रखिए ओके चौबीस का पी इसके इंडस्ट्री का पी है प्लेजिंग भी है सत्ताइस परसेंट के आसपास की डेट भी है एक सौ सतहत्तर परसेंट का ओके और शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है माइंड से नहीं भूल जाना है अब बात करते हैं मेन चीज की तो देखिए मैं यहाँ पर अः यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए अगर कौन कॉल है पीपीटी है इनकी तो यहाँ पर जाके एक बार पढ़ लीजिएगा आपको बहुत सारी चीजें पर समझ में आएगी कंपनी करती क्या है ये सारे सारे के सेगमेंट में कंपनी काम करती है वेबसाइट पर भी देख सकते हैं वेबसाइट में सारे सारे के बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है कि ये कंपनी किस में काम करती है इन्हें अवार्ड किससे मिला है इनके क्लाइंट कितने हैं वो सब चीज आपको पता चलेगी ओके एज वेल एज थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो कंपनी यहाँ पर देखिए लगभग एक क्लाइंट है टू प्लस एम्प्लॉज है और थर्टी प्लस ईवी वॉट टेक्निकल एक्सपर्टीज है यहाँ पर इनके अगर बात करें क्लाइंट की तो एस्ट्रल का नाम आपने सुना है का नाम सुना श्री सीमेंट आर न्यू पावर अड़ानी ग्रुप ग्रीन को टाटा पावर टाटा पावर याद रखिए बीपीसीए सॉफ्ट बैंक एनर्जी सपोर्टी एस बी आई एडलवाइज एटसेट्रा और, और बहुत सारे इनके लगभग 150 बड़े बड़े यहाँ पर क्लाइंट्स यहां पर नजर आते हैं कंपनी यहाँ पर क्या करती है ईपीसी बनाती है यहाँ पर इंजीनियरिंग भी इसकी खुद करती है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में के बिजनेस भी है प्रमोटर्स ये इनके और सीईओ सी एफ ओ ये सब चीज यहाँ दे रखी है कंपनी किस तरीके से यहाँ पर थ्री फिफ्टी मेगावाट का यहाँ पर सर्विस दे रही है वो दे रखा है ईवी लीजिंग कंपनी यहाँ पर देती हुई नजर आती है और किस तरीके से यहाँ पर कैश फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है और आ रहा है वो सब चीज यहां पर पूरा ग्राफ के साथ बता रखा है जैन ईवी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहां पर दे रखा है तो वो सब चीज आपको यहाँ पर पता चलती हुई दिखाई देगी ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं टू फिफ्टी प्लस प्रोजेक्ट थ्री फिफ्टी मेगावाट का और वन फोर्टी प्लस क्लाइंट्स के लिए काम ऑलरेडी कर, कर चुके हैं जो बड़े बड़े क्लाइंट जिनके नाम मैंने दिया था इसके अलावा ग्राउंड माउंटेड लगाते हैं रूफ माउंटेड और सुपर स्ट्रक्चर ये कैनिया में भी लगा रखा है मतलब पूरी बिल्डिंग में ही छाप दिया है तो यहाँ पर ये जो क्या करते हैं बड़ी जो ये आ, ओला उबर या बड़े मतलब गाड़िया खरीदते हैं ओके okay, पर देखिए बाय लीज ऑफ ईवी कार्स तो ईवी कार्स को यहाँ पर बाई करते हैं ओके okay, या फिर यहाँ पर लीज में लेते हैं और फिर वहां से ये अन लीज़ रेंटल इनकम और उससे रेंटल इनकम ये कमाते हुए दिखाई देते हैं 70 सॉरी सेवन हंड्रेड प्लस यहाँ पर कार्स हैं अभी तक इन्होंने जून 2022 में ली है 3000 प्लस कार्स एक्सपेक्टेड दो तक यहां पर प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, और आई और आर की बात करें तो भी आ रहे हैं तो इस वजह से ये शेयर भागता हुआ नजर आया अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कंपनी यहाँ पर थ्री व्हीलियर पर्सनल एंड कार्गो यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग थ्री व्हीलर पर्सनल एंड कार्गो मोबिलिटी ईवी तो यहाँ पर ये सारी की सारी कार्गो से रिलेटेड यहाँ पर दिखा रहा है इनके हेड ऑफिस यह यहाँ पर दिखा रहा है तो कार्गो आपको पता ही है कार्गो की कितनी जरूरत होती है और भारत जिस तरीके से आगे आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बिस्ते हुए नजर आएंगे एज वेल एज ईवी हैचबैक इन दिक्स लेन सिक्स एंड अभी आप देखेंगे ईवी तो आप लेने जाएंगे तो आपको लगभग टेन लाख रुपीज के आसपास की दिखेगी बट यहाँ पर देखेंगे तो ये ईवी बना रहे हैं जिसमें छह लाख से कम की यहाँ पर आपको ईवी मिलती हुई नजर आएगी बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर इनके ईवी पे थोड़ा सा भरोसा इसलिए नहीं आ रहा मैंने पिक्चर्स देखी थी आगे तो यहाँ पर छोटी सी ईवी बनाती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर देखेंगे आप ये इस तरीके पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल्स कार्गो के लिए आई थिंक ये बना रहे हैं तो कार्गो तो चलो ठीक है बट अगर इस तरीके की ईवी है और इस तरीके की ईवी अगर आ रही है याद रखिए मेरे ख्याल से फ्लॉप होती हुई नजर आएगी क्यों क्योंकि कुछ भारत में इस तरीके की चीजें नहीं चलती क्यों नहीं चलती क्योंकि कुछ टाइम पहले नैनो आई थी ओके okay, आपको पता ही है जब नैनो आई थी तो उस केसेस में क्या हुआ था उस केसेस में नैनो हिट क्यों नहीं हुई थी क्योंकि लोगों को देख के नहीं बनाई गई थी कुछ लोगों ने यहाँ पर खरीदी छोटी होती है अगर आपके पास बी है तो आगे आपका पड़ोसी सोचेगा की हमें रेंज रोवर लेनी है तो इस तरीके की मैंटेलिटी है इसलिए छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी यहाँ पर खरीदी जाती है तो इस चीज को हमेशा हमें याद रखना तो शायद इस वजह से यहाँ पर अभी वे फालतु में देख के सब चीज देख के पी रेशो ये आप देख ही रहे हैं कि कितना महंगा यहाँ पर नजर आता है तो कि सस्ते में निकाल देगा तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी साथ साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं तो वो सब चीज आप देख सकते हैं बी टू बी बिजनेस में इनके फ्लीट ऑपरेटर्स ये सारे नाम है आप देख सकते है। Ola, Uber, Blue, as well as भी भी हैं ओला उबर ब्लू रेपिडो एज वेल एज कॉर्पोरेट लार्ज कंपनीज के साथ भी टाइप्स वगैरह कर रखे विप्रो एस सी एल टीसीएस और यहाँ पर और यहाँ पर आप देखेंगे कुरियर पार्टनर्स के साथ भी इनके टाइप्स है जो कि कार्गो से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं तो यहाँ पर इनका प्लांट लोकेशन जेल प्रोपोज मतलब प्रपोज प्लान है अभी तक हुआ नहीं है प्रुपोस, प्रुपोस प्लान आ, लोकेशन यहाँ पर इनकी है जो कि आपको पता ही है यहाँ पर ये यह शायद गुड़गांव होगा यहाँ पर पुणे है यहाँ पर ईस्ट एश्ट ईस्ट क्लस्टर है और यहाँ पर साउथ क्लस्टर यहाँ पर है सारा के सारा तो उसी से रिलेटेड ये सब कुछ दे रखा है और ये बता रखा है कि ये किस तरीके से छह लाख की गाड़ी बनाएंगे और इनके जो कॉम्पिटिटर है उनकी गाड़ी देखिए तो दस लाख के आसपास की गाड़ी है तो वो सब चीज इन्होंने यहाँ पर बता रखी है तो हमें सब सारा पैमाना और किस तरीके से है, आगे चल के बढ़ना है वो सब चीज यहाँ पर बता रखा है ग्राफ के साथ तो यहाँ पर आंख बंद करके कभी भी यहाँ पर शेयर नहीं खरीदना होता पहली बात दूसरी बात शेयर को जब साठ रुपए से अगर 120 पे भी आया था ओके तो दो सौ भी, भी आ गया चार सौ भी आ गया ठीक है

यहाँ पर किन लेवल पर खरीदते हुए नजर आए और शेयर फिर गिरता हुआ नजर आए और आपकी जो पूंजी है चौदह सौ रुपए से सात सौ रुपए पे आ गया और आप यहाँ पर लगभग आधे होते हुए नजर आए तो इसलिए थोड़ा सा समझना है थोड़ा सा देखना है रिजल्ट आए नहीं है रिजल्ट एक बार देख लेने है, ओके बड़े लोगों ने लगा दिए उनकी रिस्क कैपेबिलिटी है आके आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है या नहीं है वो चीज आपको यहाँ पर सोचनी है और इन्होंने केवल चार लाख चार करोड़ रुपए लगाए थे आज लगभग अठानवे करोड़ और सौ करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर से इन्होंने इनकम कर लिया तो स्टॉक मार्केट में यही चीजें सीखनी होती है कि किस तरीके से एक चीज को ली जाती है वेट किया जाता है और वेट करने के बाद यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आता है तो थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बेची बट स्टिल पर के साथ बने हुए हैं लगभग कुछ लाख शेयर है और अच्छा खासा पैसा लगभग चार करोड़ रुपए एक सौ करोड़ तब्दील हो गए तो यहाँ पर देखिए सीखिए दे, एनालाइज करिए लोगों को देखिए किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं फिर पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया बैंक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए दूसरे वीडियोस को जाकर देखिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस